गाइस हमारे राउटर का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। भैया लगा के जा रहे हैं राउटर। राम नमस्ते और क्या हाल चाल। सो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा BSNL भारत फाइबर यानी फाइबर टू द होम की फुल इंस्टॉलेशन, स्पीड टेस्ट, रिव्यू एंड मच मोर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने साथ फाइबर ऑप्टिक केबल लेके आते हैं। एंड आप देख सकते हो कि पहले ये सेट करते हैं एंड ये नापते हैं आपके घर से आपके पोल तक की दूरी को, यानी जितना आपका खंभा दूर होगा आपके घर से। तो उस दूरी को नापने के बाद ये सबसे पहले क्या करते हैं, वायरिंग कर लेते हैं। एंड आपको बता दूं कि BSNL 100 मीटर तक वायर फ्री देता है। एंड उसके बाद अगर आपका घर 100 मीटर से दूर है तो आपको 15 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट करता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ लगा लेना कि आपका घर कितना दूर है एंड आप कुछ उनसे बार्गेन भी कर सकते हो। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल बॉक्स पर जाते हैं एंड वहाँ से हमें कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले टर्मिनल बॉक्स को उतारते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो एंड गाइज अब आप देख सकते हो कि ये फाइबर केबल को इसमें डाल रहे हैं। एंड इसके बाद देखो गाइज इसको ये छीलते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये एक कटर की मदद से इसको छील लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को। एंड केबल को छीलने के बाद आप देख सकते हो कि ये एक टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करते हैं, इसके अंदर अल्कोहल से इसको साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू को ले लेते हैं एंड देख सकते हो कि कितना ही बारीकी और कितनी ही मेहनत का काम है ये। तो सबसे पहले देख सकते हो आप ये टिश्यू पे इन्होंने थोड़ा सा अल्कोहल लगाया एंड अल्कोहल लगाने के बाद ये फाइबर को से साफ़ करते हैं ताकि जो भी हमारी जो वेवलेंथ हो वो बराबर आए। एंड गाइस आपको बता दूं कि आपकी जो एंड पे वेवलेंथ आएगी वो -20 से कम होनी चाहिए, यानी -20 dBm से कम होनी चाहिए तो आपकी स्पीड प्रॉपर आएगी। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस कर लिया है। एंड अब आप देख सकते हो कि ये आपके रूम पे जाएंगे एंड आपके रूम पे भी जाके यही सेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आपको यही सेम प्रोसेस फाइबर को छील के इनको आपके राउटर तक पहुँचाना रहता है। अनफॉर्चुनेटली गाइज मेरा जो वाली क्लिप थी वो डिलीट हो गई है मोबाइल से, तो मुझको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड इसके बाद गाइज ये आपके राउटर में कनेक्शन देंगे एंड वहाँ पर आपके यूज़र नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे राउटर का आपके, एंड आपके राउटर में स्पीड पकड़ लेगा। सो गाइज सबसे पहले आप पबजी में देख सकते हो कि लगभग 30 से 40 के बीच में पिंग आ रही है जो कि नॉर्मल है गाइज। एंड अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। सो गाइज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने जो राउटर परचेज़ किया था, राउटर मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा एंड वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। एंड गाइज दूसरी बात, वो आपको ऑफ़र करेंगे राउटर एंड अगर आपको जैसा
आपको लगे कि आपको, देखो गाइस राउटर जो है तकरीबन 2500 रुपए तक आता है, एंड जैसा भी आपको पड़े राउटर, अगर आपको ऑफलाइन सस्ता पड़ रहा हो तो वहाँ से ले लेना, एंड अगर आपको वेंडर सस्ता दे रहा हो तो वेंडर से ले लेना। ये डिपेंड करता है कि आपको अच्छा बेटर प्राइस कहाँ मिल रहा है। एंड गाइस दूसरी बात, आप ट्राई करना वेंडर को ऑफलाइन कॉन्टैक्ट करने की, क्योंकि गाइस ऑनलाइन में कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं, एंड BSNL जो है ऑनलाइन के मामले में काफ़ी ढीला है। एंड तीसरी बात गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इंस्टॉलेशन आपका जो कंप्लीट हो जाए तो उनसे कहना कि स्पीड टेस्ट करिए, एंड स्पीड टेस्ट में जितना भी आपने प्लान लिया हुआ है उतना स्पीड आनी ही चाहिए। अगर उससे कम आ रही है तो आप उनसे बोलना कि मुझको जितनी स्पीड ली गई उतनी ही चाहिए, क्योंकि गाइस मेरे केस में क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा, लेकिन गाइस मैंने प्लान लिया था 60 Mbps वाला, एंड जो स्पीड मेरी आ रही थी गाइस वही रद्दी स्पीड आ रही थी मेरी, 40 Mbps से ऊपर ही नहीं जा रही थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस समय ही आप देख लेना। एंड अब गाइस बात करते हैं आखिरी चीज़ की, जिसका नाम है कॉस्ट, यानी कुल कितना पैसा लगेगा। तो इसमें बता दूं मैं गाइस आपको कि इसमें तकरीबन आपका 3500 रुपये खर्च आएगा, एंड ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो, क्योंकि गाइस हर स्टेट के हर एरिया में इसके BSNL के जो चार्जेस हैं वो अलग हैं। तो मेरी केस में मुझे 3500 रुपये खर्च आया। एंड गाइस अब ये एक बात आपको और बता दूँ कि इसमें आपका जो प्लान है इंक्लूड नहीं है, प्लान का आपको अलग से देना होगा, यानी गाइस जो बिल आएगा पोस्ट पेड का हर महीने, यानी अब आप एक महीना खर्च कर लोगे तो उसका बिल आएगा, एंड उस बिल में जैसे मान लो कि आपका प्लान है 699 का, तो उसके अंदर आपको 18% GST प्लस अलग से देना होगा। तो आप हिसाब लगा लेना कि आपका कितना खर्चा बैठ रहा है। और गाइस अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया में जियो एयरटेल हो या कुछ महीनों में आने के चांस हो तो आप थोड़ा वेट कर इंतज़ार कर लेना, एंड जियो एयरटेल का इंतज़ार ज़रूर कर लेना, क्योंकि गाइस BSNL अभी बहुत पीछे है एंड इसकी सर्विस बहुत ही कचरा है। मजबूरी में गाइस मुझे लगवाना पड़ा है क्योंकि मेरे एरिया में अभी 5 साल तक कोई चांस नहीं है जियो फाइबर आने का। एंड गाइस आपको बता दूँ कि अगर आपके जियो फाइबर की अवेलेबिलिटी पता करना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझको दीजिए इजाज़त, गुड बाय, सी यू अगेन। गाइस हमारे राउटर का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है मिशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, एंड भैया लगा के जा रहे हैं राउटर। भैया काफ़ी फ्रेंडली थे आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। इनको कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंडली है, आप कस्टमर से फ्रेंडली रहना पड़ता है।